हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो गया 9:30। अभी उठा हूँ मैम, नहा धो के नाश्ता करके चलते हैं ऑफिस। मेरे भाई को छोड़ के आना था ऑफिस, डॉक्यूमेंट दे के सीधा करनाल। आज यही रुकेंगे, कल जाएंगे हम करनाल। चलो अब नहा लेते हैं, चलते हैं फिर भाई को छोड़ने ऑफिस। तो बताते हैं बाकी आगे क्या हुआ क्या नहीं। ऑफिस में जाने का टाइम हो गया है। आप जा रहे हो ऑफिस, अपना लोकेशन बताइए। एयरपोर्ट रोड के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ दिखाते क्या होता क्या नहीं। अपना डॉक्यूमेंट दे के फिर घर आके शाम को बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, फिर अपना चंडीगढ़ करनाल वापसी शाम को ही। चलो चलते हैं लोकेशन पे। जी ऑफिस पहुंच गया, लिफ्ट में आ गया, लिफ्ट में पहुंच गया। 5 नंबर है, 5वीं मंजिल में है। चलते हैं अब 5वीं मंजिल आगे वाली है, 4 पे आ गए हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लो जी डॉक्यूमेंट गए थे जमा करवाने, जमा करवा दिए हैं। 9 साढ़े कितने मांगे थे? 9,700। 9,700 रुपये मांगे थे भाई सिक्योरिटी के लिए। कल को आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें लैपटॉप कोई ख़राब हो, कोई कुछ हो, उसकी जिम्मेवारी आपकी होएगी। 6 महीने बाद सिक्योरिटी दे देंगे वापसी। फिर इसीलिए हम थोड़ा होल्ड में रखे है इसको, होल्ड पे रखो भाई, मैं बाद में कल तक अपना करवाएंगे। फिर हम पेपर अपना कहते भाई होल्ड पे रखो, कल तक देखते हैं, कल तक पैसे जमा करवा देंगे, दे देंगे आपको, बताते हैं। और एक पुलिस इंक्वायरी दी है कि लेटर पैड पे लिखवा के लाना, वो मंगवाया मैं। चलो ये तो मिल भी जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। बाकी सिक्योरिटी वाला मेरे को फेक सा लगा कि 6 महीने बाद आपको सिक्योरिटी वापसी दे देंगे, ऐसा कौन होता कि रख के 6 महीने बाद सिक्योरिटी दे देगा। बाकी चलो देखते हैं अब क्या होएगा, बताते हैं आपको आगे। लो जी बच्चे स्कूल से आ गए हैं, अब ये रोटी राटी आएगा नहीं, ये चल दिया पतंग उठा के, पतंग चल दिया ऊपर, ढूंढ रहे पतंग डोर का है मेरी, देखते हैं आ गई चिपक ली। ये उठा लिया जी का, ये देखो ये मिलेगी पतंग भी मिलेगी इसको, अब जाएगा पतंग उठाने। ये देखो आ गया लेके, रसने पा दो चाचू कह रहा है मेरे को, रसने पा के सीधा ऊपर जाएगा छत पे। बसंत पे आना था इसने, बसंत पे नहीं आया। मैंने कहा मैं तो लेके आया नहीं था, फ्रेंड लेके आए थे। अब ये डसने पाएगा, देखना कैसे पाएगा। देखो छे करेगा, डसने पाएगा, डसने भी मेरे से पुआएगा। तो चुपा दो डसने। लो जी सब्जी गरम कर दी है बच्चों के लिए, रोटी गरम करनी है। अब करते हैं अब सब्जी गरम, भतीजी खाएगी रोटी अभी अभी। लो जी रोटी गरम कर रहे हैं गुड़िया के लिए, मेरी बड़े वाली भतीजी है उसके लिए रोटी, और भतीजे के लिए देखा कि मेरी भतीजी छिपक ली। वो तो चला गया पतंग डोर लेके बाग के ऊपर, और गुड़िया ही खाएगी रोटी। बापू को रोटी दे रहा हूँ, अब खाते रोटी।
लो जी बर्तन धो देते हैं, अब रोज से जूठे पड़े हैं सारे, साफ कर देते हैं अभी 5 मिनट में। लो जी अब जा रहे हैं करनाल अपना खरड़, खरड़ से जाएंगे हम एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट रोड से हम यागड़ी की तरफ सामने पुल से नीचे से जा रहे हैं नारायणगढ़ की तरफ रास्ता पड़े, हम वहाँ से जाके फिर सीधा करनाल होके जाएंगे। देखते हैं आगे क्या है, जानी कितना टाइम लगेगा, कल तो हमारा 3-4 घंटे लग गए थे, नहीं 1-2 घंटे का रास्ता था हमारा। शाबाश शाबाश, अपना सीधा अम्बाला, अम्बाला से उधर पंजाब रोड, फिर अपना कौन सा है वो बरूड़ वाला रास्ता। चलो चलते हैं करनाल, ये अपना घर। बच्चे आ गए थे स्कूल में से, रोटी वोटी खुआ के बर्तन बुर्तन धो गए, आज तो बर्तन भी धो दिए हमने, बड़े सालों बाद बर्तन धोए। चलो चलते हैं। लो जी नारायणगढ़ रोड पकड़ लिया है अपना, तेरी जो खरड़ से अपना एयरपोर्ट रोड आ रही है, चंडीगढ़ रोड से मैगडी आती है जो जीरकपुर से पीछे आता है, वहाँ से पुल के नीचे से अपना नारायणगढ़, और नारायणगढ़ से सहा से अपना शाहबाद, वही कल वाला रोड पकड़ेंगे अपना दोबारा। कल हम बगैर हम गलत आ गए थे, हमको आना था नारायणगढ़, अपना नारायणगढ़ हो गया फिर इधर से जाना था, हम चले गए जितना पंचकूला में बहुत 1 घंटा टाइम लग गया शहर में हमारा, इधर मुड़ उधर मुड़ इधर मुड़ चौक पार करके परेशान हो गए थे। चलो अब चलते करनाल, ये देखो धूल मिट्टी कितनी है, सारा हैवी ट्रक ट्रुक सारे यहीं से जा रहे हैं, रास्ता बजरी बन रहा है, मेरे ख्याल से काम घूम भी चल रहा है। ये तो वो लग रहा सेलर, इसका रेते बजरी वाला सेलर होता है जो मशीनें अलग ही होती है, वो लग रहा है सारा। ये देखो सामने
रोड तो बिल्कुल खाली पड़ा भाई। बड़े सालों बाद आए इस रोड पे बड़े सालों बाद आए। पहले हम पेट्रोल पंप करते रहते थे यहाँ इधर, कभी मशीना कभी पेट्रोल पंप पेंट करते रहते थे। अब इधर के काम करते नहीं हम, कम करते हैं बहुत। हो गए इसको भी यहाँ से छोटे बीमार को 3-4 साल हो गए हैं, हम इधर का काम करते ही नहीं बिल्कुल भी। लो जी बरारा रोड पे पहुँच गए हैं। जिसको भी चंडीगढ़ आना हो शाहबाद से बरारा बराड़ा और पंचकूला रोड पकड़ लो, सीधा अपना चंडीगढ़ पंचकूला मनाली शिमला सब रास्ते कट जाएंगे यहाँ से सारे। जिसको नहीं पता हो वो भी ध्यान से आना। शाहबाद से आगे रास्ता बंद करके मारकंडा का कोई रास्ता नहीं है, ना जाने का ना आने का बिल्कुल भी। तो देखो जाम लग रहे हैं यहाँ भी बराड़ा रोड पे, पुल के ऊपर जाम लगा हुआ है। अपना चंडीगढ़ से आए हो शाहबाद, शाहबाद से बराड़ा, बराड़ा अपना नारायणगढ़ पंचकूला रोड पकड़ लो, मेन हाईवे आता है सीधा पंचकूला मनाली शिमला चंडीगढ़ सब रास्ते कट जाएंगे वहीं से। मारकंडा पे अपना नाके लगा रखे पुलिस वालों ने भी और किसान भाइयों ने भी। शाहबाद से आगे तो जाने नहीं देते, रास्ता काट देते हैं पुल के नीचे से। इधर से जाओ भाई, जो 1 घंटे का रास्ता है 2 घंटे का है, जो 3 घंटे का रास्ता है वो 4 घंटे या 3 घंटे का, पैसे कट रहे रास्ते। लो जी शाहबाद पहुंच गए, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, यहाँ पे टाइम लग गया हमारे को शाम को रात को, बहुत भीड़ थी बहुत। लो जी पहुंच गए घर, 8:30 बजे के चलो हम, 4.5 घंटे हो गए हमारे को खरड़ से करनाल आने में, और जाने में भी इतना टाइम लगा था हमारा कल, और रास्ता सारा खराब है। शाहबाद से अपना बराड़ा की तरफ जाते हैं सारा खराब है, वहाँ ही टाइम लगता अपना 1-1.5 घंटा जो लगता है, और एक बड़ा लंबा पड़ जाता रास्ता। चलो ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, जय श्री राम जय महादेव, जय श्री राम जय महादेव, बाय।